हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बुधवार को सरकार में उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सत्र प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा मानसून सत्र होगा। 10 बैठकों वाले इस सत्र की शुरुआत 27 अगस्त से होगी और 9 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। तारीखों पर गौर करें तो मानसून और बारिशों के टलने के समय इस सत्र को रखा गया है ताकि साफ मौसम में प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा में नुकसान से लेकर प्रभावितों की दी गई मदद पर चर्चा हो सके। हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सेशन है वो 27 अगस्त से आरंभ होगा और इसमें 10 सिटिंग्स होंगी। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि मानसून का स्तर इतने लंबे दिनों तक होने जा रहा है। अमूमन चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, मानसून सेशन कभी भी 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लिया है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, वो सदन में अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रखें और उनको उचित समय मिले। ठीक है, हम कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और हम ये चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के जो इश्यूज़ हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हित की बात है और एक सार्थक चर्चा, एक पॉजिटिव चर्चा हिमाचल प्रदेश के सदन विधानसभा में हो, सरकार उसका जवाब देगी और जो एक पॉजिटिव सजेशंस है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हम विपक्ष की बात को मान, पहले भी हमने माना है और विपक्ष की बात को मान करके उचित अमली जाना जो है इस पे पहनाएंगे। अब देखना होगा कि प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि मानसून सत्र में इस बार विपक्ष सरकार के फैसलों पर क्या रुख अपनाती है। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।